हेलो गाइस, वेलकम टू सत्यम कंप्यूटर एक्सपर्ट। गाइस, आज की जो वीडियो है वो हमारी एक्सेल बेस्ड वीडियो रहेगी कि एक्सेल शीट के कॉलम विड्थ को ऑटोमेटिक किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। गाइस, वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं हमारी वीडियोस पे। तो एक्सेल्स के अंदर आपको इस तरीके का डाटा दिया गया है। ये डाटा आपका प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, आप किसी भी ऑफिस में अगर काम करते हैं तो कोई भी डाटा हो सकता है। इस डाटा को हम कॉपी करके अगर अदर शीट के ऊपर लेके जाते हैं तो गाइस, एक बार हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं तो गाइस, पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ हम इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेते हैं। तो गाइस, डेटा आपका कॉपी हो चुका है। अब अदर शीट पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं, तो कंट्रोल वी यहाँ पे करेंगे तो डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा। तो गाइस, आप देखेंगे जैसे ही डेटा पेस्ट हुआ है तो कॉलम जो विड्थ है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो चुकी है, अच्छे से एडजस्ट नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी डेटा है उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ शॉर्टकट की से इस प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टकट की कौन सी यूज करनी है, शॉर्टकट की के लिए आपको ऑल्ट बटन के साथ यहाँ पर एच को प्रेस करना है। पहले ऑल्ट बटन दबाएंगे, प्लस एच, प्लस ओ, प्लस आई, और दबाते ही गाइस आप देखेंगे कि जो कॉलम विड्थ है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप एक्सेल शीट के कॉलम्स को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से ऐसे ही वीडियो देखकर कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें सीखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।